हेलो दोस्तों, मैं गोभी, गाजर, मटर और हरा मिर्ची के चटपटा अचार डालने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मटर है, इसको हम हटा लेंगे। ये मटर है, ये गाजर है, ये निकाल लेंगे। इसको निकाल के फिर हम इसको छोटा छोटा पीस बनाएंगे, इसको काटेंगे लंबा लंबा। देखिए, अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का छिलका ऊपर से निकाल ली हूँ, ऐसे थोड़ा हल्का हल्का ऊपर से छिलका हटा देना है। हम बारीक बारीक ऐसे पतला पतला पीस कर लेंगे, काट लेंगे। देखिए, मिर्ची को बीच से हम फाड़ेंगे। देखिए, इसे फाड़ लेंगे। फिर इसमें हम छोटा छोटा गोभी कर लेंगे, ये डंठल नहीं डालेंगे। देखिए, सारा हो गया गोभी। देखिए, छोटा छोटा पीस कर ली मैं, छोटा छोटा बना ली, गोभी हो गया। देखिए, ये गाजर हो गया, ये मिर्ची हो गया, ये मटर हो गया। अब इसको आधा घंटा के लिए हम धूप दिखाएंगे। गाजर, मिर्ची, मटर, गोभी आधा घंटा के लिए मैं धूप में रख देती हूँ। ये चारों सुखा ली मैंने, गोभी, गाजर, मटर, मिर्ची। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। देखिए, ये 5 फोरन है, इसको हम भूंज के डालेंगे। देखिए, 5 फोरन हम भूंज के रखे थे। ये हम साबुत डालेंगे 2 चम्मच। ये हल्दी है, ये राई है, दरदरा कर ली हूँ। हम तेल डालेंगे और नमक डालेंगे। अब इसमें पहले हम हल्दी डालेंगे। देखिए, 2 चम्मच हल्दी डालूंगी। ये साबुत 5 फोरन है, इसको 2 चम्मच डालूंगी। ये देखिए, राई है, इसको पीस ली हूँ मैं दरदरा, इसको डालूंगी। छह चम्मच डालेंगे। ये 5 फोरन है, इसको भूंज ली हूँ पहले, फिर दरदरा इसको पीस दी हूँ डालने के लिए। तीन चम्मच इसको डालेंगे। ये देखिए, नमक है, नमक अचार के जितना होगा उसके अनुसार डालेंगे। कम होगा तो चल जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो खराब हो जाएगा। फिर 1 चम्मच, 2 चम्मच, देखिए इतने हम डालेंगे, 3 चम्मच। देखिए, ये लाल मिर्ची है, ये पाउडर है लाल मिर्च का,
पहले से मैं हरा डाली थी इसलिए मैं थोड़ा डालूंगी लाल मिर्च, नहीं तो बहुत तीखा हो जाएगा। एक ही चम्मच डालते, एक ही चम्मच डालूंगी नहीं तो तीखा हो जाएगा। पहले से ये हरा मिर्ची है तो ये तीखा है, मैं इसमें तेल डालूंगी। इसको मिक्स करेंगे, फिर इसको हम कांच के बोतल में रखेंगे। कांच के बोतल में रखने से खराब नहीं होता है अचार। देखिए कांच में हम भर देंगे। देखिए हम इसमें अचार रख दिए, अब हम इसको 2-3 दिन के लिए धूप में रखेंगे। वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।